शिवपुरी में शनिवार को दर्दनाक हादसे की घटना सामने आई है। यहां पुलिस वैन ने साइकिल से जा रही 12वीं की छात्रा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक सड़क हादसे की घटना शिवपुरी पुलिस ग्राउंड के पास की है, जहां 12वीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा सरस्वती यादव कोचिंग से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान साइकिल सवार छात्रा को पुलिस वैन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस वैन चालक मौके से फरार है और घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मार्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। वही शिवपुरी कलेक्टर ने घटना में मृत हुई बालिका के परिजनों को 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सर, अभी सुबह एक बच्ची के साथ दुर्घटना हुई है। सरस्वती यादव नाम की 16 वर्ष की बच्ची है, वो कोचिंग से लौट रही थी, उसका पुलिस की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और वो खत्म हो गया। सर, इसको कुछ मुआवजा राशि कलेक्टर महोदय ने 1,00,000 रुपए मुआवजा राशि दी है। तो पुलिस बैन से हुआ है ये कलेक्टर साहब बता रहे हैं। शिवपुरी से मुकेश प्रजापत की रिपोर्ट।